हाय, गुड आफ्टरनून अगेन. ये वीडियो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से कोई लाइव वीडियो हुआ नहीं था. पिछले काफ़ी सारे टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जिनमें मैंने कंट्रीब्यूट किया है, एक टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ओवरली यूज़ हुआ है, दैट इज़ फास्ट फूड. जब भी हेल्थ से रिलेटेड कोई अवेयरनेस करनी होती है, पीपल ऑलवेज से अवॉइड फास्ट फूड, अवॉइड जंक फूड. पर क्या आपको पता है 1986 में इटली में स्लो फूड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. अब ये किसने स्टार्ट किया था ये आप खुद पता कीजिए. सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्लो फूड मूवमेंट वॉज कि धीरे धीरे खाना खाइए, इन्जॉय करके खाइए. ट्रेडिशनल गेस्ट्रोनॉमी जो है, जिस जगह पे अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे आप कैसे क्या अच्छी चीज़ें बना सकते हैं उसको बनाइए, उसको इन्जॉय कीजिए और उससे अच्छी हेल्थ गेन कीजिए. एज़ पर विकीपीडिया ये मूवमेंट इसीलिए स्टार्ट हुआ था टू रेजिस्ट द ओपनिंग ऑफ मैकडॉनल्ड्स. सो बेसिकली स्लो फूड मूवमेंट या स्लो फूड का जो कंसेप्ट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है. तो अब हम इटली में तो है नहीं, तो हम स्लो फूड मूवमेंट को या स्लो फूड कंसेप्ट को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. खाना शांति से बनाइए. जो चीज़ें सोक करके रखनी है, सपोज दाल है, यू नीड टू सोक इट 20 मिनट्स प्रायर टू कुकिंग, प्लीज़ वैसे कीजिए. प्रेशर कुक होने में यदि तेज़ आंच पे आप बहुत सारी सीटी देते हैं तो द दाल गेट्स ओवरकुक्ड, डोंट डू दैट. आटा बहुत जल्दी लगा के, व्हेन यू नीड द डो, डोंट बी वेरी क्विक इन इट, लेट वाटर गेट मिक्स्ड इन इट. यदि आटे में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला रहेगा, ग्लूटेन फॉर्मेशन और ग्लूटेन का फूलना, बॉडी में जाके डाइजेस्ट होना, अब्जॉर्ब होना, ये सब नहीं होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर वी कम टू इज आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कीजिए. दे नीड टू बी सोक्ड 20-25 मिनट्स प्रायर टू यूजिंग इन वाटर, हो सके तो सॉल्ट वाटर, और थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट ले सकते हैं तो पोटेशियम पर मैगनेट में सोक करके रखिए. रब इट वेरी नाइसली एंड देन यूज़ इट. बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनका पील इज़ वेरी गुड, लेकिन जस्ट बिकॉज वी फील कि अरे इसमें तो केमिकल्स हैं, वी डोंट यूज़ इट. सो सोक इट प्रायर टू यूजिंग, यू नो, हाफ एन आवर प्रायर टू योर यूजेज, इन सब चीज़ों को सोक करके, ड्राई करके फिर यूज़ कीजिए. च्यू योर फूड स्लोली. नॉट एवरी वन हैज़ 32 टीथ, लेकिन जिनके पास हैं, हमारे ख्याल से 26 या 28 दांत सभी के होते हैं. तो ये जो 26 या 28 दांत हैं, इनसे कम से कम 13 या 14 बार एक कौर को चबाइए. एवरी बाइट दैट यू टेक मेक्स योर ब्रेन रियलाइज दैट यू आर ईटिंग फूड. हर बार जब आप कौर तोड़ के मुँह में डालते हैं, हर बार जब आप उसको चबाते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके फूड से सेटिस्फैक्शन वैल्यू मिलता है. यदि आप खाने के बदले सिर्फ लिक्विड्स पे आ जाएंगे तो धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन वैल्यू आपके खाने की कम हो जाएगी. इसके बाद हम आते हैं खाना खाने के बाद क्या करना है. सो खाना खाने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए. आफ्टरनून सिएस्टा जो कहते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर यदि ये 2-3 घंटे का है तो ये नहीं अच्छा है. खाना खाने के बाद आइडियली यू शुड रिलैक्स, क्योंकि ब्लड फ्लो आपके पेट की तरफ डाइवर्टेड रहता है. अब इसके बाद आते हैं वर्कआउट्स पे. टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गर्मी का सीज़न सभी तरफ है. यदि आप अर्ली राइजर नहीं हैं और अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स के लिए नहीं जा पाते हैं, आपके इवनिंग मील को थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए. उसके 40-45 मिनट्स तक प्लीज़ कोई वर्कआउट मत कीजिए. लेट द एंटायर ब्लड फ्लो बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स योर स्टमक, जिससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो. 45 मिनट्स के गैप के बाद आप लीजरली वॉक पे जाइए. यदि आप कभी वॉक पे नहीं जाते थे तो हमेशा पहले लीजर वॉक से स्टार्ट कीजिए. धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाइए, और ये धीरे धीरे 15 दिन से पहले नहीं होना चाहिए. सो योर बॉडी इज़ अ मशीन, इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन. इसको टाइम दीजिए, धीरे धीरे सब चीज़ कीजिए. सो आई होप कि आप स्लो फूड मूवमेंट और स्लो फूड कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. फास्ट फूड को कोशिश कीजिए अवॉइड करने का, नहीं तो यू कैन ऑलवेज ट्राई, यू कैन इंक्लूड फास्ट फूड इन योर डेली रूटीन एंड ट्राई कि 10 साल बाद क्या होता है. सो फॉर योर फॉर इवन मोर डिटेल्स ऑन अदर सब्जेक्ट्स, प्लीज़ ट्यून इन टू माई चैनल माई डाइट चार्ट ऑन यूट्यूब. प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. फॉर एनी अदर क्वेरीज प्लीज़ डू पोस्टिंग इन योर कमेंट्स एंड योर मैसेजेस ऑन हेल्दीजंस ब्लॉग. ब्लॉग की लाइक्स बढ़ रहे हैं, मैसेजेस बढ़ रहे हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट. Do take care of yourself this summer. पानी ज़्यादा पीजिए, पानी माइंडफुली पीजिए, और हाँ, शुगर का इंटेक बैलेंस कीजिए. गर्मी है इसीलिए मीठी चीज़ें खाना है, doesn't justify.